टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टॉपिक है, इसमें ये पढ़ेंगे हम लोग, क्रिटिकल एंगल को पढ़ेंगे। पहले आप समझ लो, उसके बाद हम पढ़ाते हैं। सबसे पहले सब लोग इसको ध्यान से सीख लेगा, दो कॉन्सेप्ट है वो सीख लेगा, फिर हम आपको दोनों बारी बारी से लिखवा देंगे। होता क्या है, अभी तक हम लोग पढ़े हुए हैं रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, बड़ा कॉमन सा फिनोमेनन था कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि कैसे समझेंगे कि मीडियम चेंज हुआ है, तो हम लोग समझेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चेंज होने पर। अगर लाइट जा रहा है कहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया का मतलब मीडियम चेंज हो गया। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाता है तो उसके बेंड करने का जो प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या क्लियर है सबको? ये बेंड करने में हम आपको दो सिचुएशन बताए थे कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर लाइट विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो नॉर्मल की ओर मुड़ती है, और अगर लाइट डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करती है, नॉर्मल से दूर की ओर मुड़ती है। यहां तक सीखा हुआ है? इसी में एक बड़ा स्पेसिफिक सा टर्म है, यहां से हम इस पे ज्यादा बढ़िया से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और आप भी पूरा ध्यान देना, जितने तरह के क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक तरह से कह लो ना कि अभी तक जितना पढ़े, एक महीना क्लास चला है ना, उसमें से अभी तक सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव शॉर्ट के कुछ क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए। अब ये टॉपिक जो है एकदम फिक्स्ड है, इससे लगभग हर साल क्वेश्चन पूछता है, या तो एक ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट, एकदम रहता ही रहता है। तो इसको एकदम दिमाग में फिट कर लेना है आपको इस बात को, कि अगर लाइट का मीडियम चेंज होता है तो रिफ्रेक्शन होता है, रेयर से डेंसर जाने पर टुवर्ड्स नॉर्मल, और डेंसर से रेयर जाने पर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करता है। इसी में सिचुएशन ये है कि एक लाइट है जो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, तो डेंसर से रेयर में अगर जा रही है तो हम सीखे हुए हैं कि ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी, नॉर्मल से दूर की ओर बेंड करेगी। अब यहां देखना है इसमें कि अगर यहां पर एक सोर्स ऑफ लाइट हमने लिया है ओ पॉइंट पर, एक लाइट को सीधा एकदम लाकर कैसे इंसिडेंट करवाते हैं, तो आप बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो तो एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन आर का वैल्यू भी कितना होगा। इवन हम ये प्रूफ करके दिखाए हुए आपको परपेंडिकुलर इंसिडेंस के लिए, तो ये जैसे आया है क्या सीधे वैसे ही निकल जाएगा? अगली बार किसी लाइट को लेते हैं, मान लिया कि ये आई एंगल से, यहां पर आई वन मान लेते हैं, आई वन एंगल से यहां इंसिडेंस करता है, तो देखो यहां पर इस लाइट को लेकर कंफ्यूज नहीं होना, ये अभी ऐसे समझना नहीं है, लेकिन अब काम की बात पर ध्यान दो। अब बाहर देखो, क्या आपको खिड़की में ग्लास दिख रहा है? खिड़की के बाहर उस तरफ जो है वो भी दिख रहा है। मतलब क्या हुआ कि जब कोई सरफेस रिफ्रैक्शन कर रहा होता है ना, तो वहां पर पार्शियल रिफ्लेक्शन भी होता है। नहीं समझ में आया? फिर से सुनो, खिड़की देख पा रहे हो, खिड़की का ग्लास देख पा रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट वहां गया और वहां से टकरा करके हम तक आ रहा है, मतलब लाइट जो है वो ग्लास से रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा है, तो हम ग्लास देख पा रहे हैं, और ग्लास के उस पार इसलिए देख पा रहे हैं कि उधर से लाइट आकर के रिफ्लेक्ट होकर के हमारे तक आ रहा है। तो जो मीडियम, जैसे अगर बाल्टी में पानी भरो, बाल्टी पर में जो पानी है वो पानी भी दिखता है और उसके नीचे का भी दिखता है, तो जो पानी दिखता है वो हुआ पार्शियल रिफ्लेक्शन, और जो नीचे दिखता है वो होता है रिफ्रैक्शन। तो यहां पर पार्शियल रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, खैर इसको अभी हम इग्नोर करके चल रहे हैं। तो आप समझना यहाँ कि लाइट जो है अगर आई वन एंगल से इंसिडेंस हुआ है, तो इसके लिए यहाँ रिफ्रैक्शन आर वन एंगल होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करना है, इस बात को हम लोग पहले से क्लियर किए हुए हैं। लाइट अगर थोड़ा और एंगल से, आई टू एंगल से इंसिडेंस किया, तो और ज्यादा एंगल से या आर टू एंगल से रिफ्रैक्ट करेगा। अगर ये और ज्यादा एंगल इसका बढ़ा दे तो यहां पर ये वाला भी आर थ्री और ज्यादा बढ़ेगा। हम क्या देख रहे हैं कि एज एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज। डेंसर टू रेयर मीडियम प्रोपेगेशन है और एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी हमारा इंक्रीज कर रहा है। भाई ऐसे ही इंक्रीज करते जाए करते जाए करते जाए, क्या एक सिचुएशन ऐसा आ जाएगा जिसमें कि लाइट जो है वो बाहर की तरफ रिफ्रैक्ट जो कर रहा था वो रिफ्रैक्ट करना छोड़ करके और सरफेस पर से ही होते चला जाए, क्या बढ़ते जा रहा है ना ऐसे? तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि बाहर रिफ्रैक्ट करने की वजह क्या हो जाएगा, सीधा सरफेस पर से होते हुए चला जाएगा। इसको कहते हैं ग्रेजिंग ऑन द सरफेस, ग्रेज मतलब होता है ऐसे चरना, तो भाई गाय बकरी चरती है, यहां पर वाला में ग्रेजिंग का मतलब होता है ऑन द सरफेस, ऐसा। तो सरफेस पर से होते हुए जाएगा, तो बताओ इसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ इसके लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ना, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, इसी को क्रिटिकल एंगल कहते हैं, रिप्रेजेंट सी से भी करते हैं,
या मोस्टली आप देखोगे तो आई सी लिखा हुआ मिलेगा। आई मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस और सी फॉर क्रिटिकल एंगल। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल केस वाले के लिए आई सी लिखते हैं, मीन्स द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल आई सी। मतलब वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो, 90 डिग्री हो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। कैसे हुआ 90, समझ में आया है ना? एक बार फिर से शुरू से हम समझाते हैं, सुनना। लाइट, व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीजिंग, देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल्सो इंक्रीजिंग। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो, 90 हो, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, क्रिटिकल एंगल। मल्टीपल टाइम्स बोर्ड में पूछा हुआ है व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, इतना ही डेफिनेशन उसमें। और आगे सुनो इसमें, इसी के बाद अगर ऐसा हो कि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा और बढ़ा दे, अभी तक तो बढ़ा ही रहे थे, हम थोड़ा और बढ़ा दे तो एक सिचुएशन ऐसा भी आएगा जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बढ़ाएंगे ना, मतलब आई इज ग्रेटर देन आई सी, जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल से हम इंसिडेंस करवाएंगे और लाइट का प्रोपेगेशन डेंसर टू रेयर ही है, तो उस केस में लाइट रेयर मीडियम में ना जा करके वापस डेंसर मीडियम में ही लौट के चला आता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है, और इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कंफ्यूज मत करना, टॉपिक रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे इससे पहले, लेकिन यहां आ रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, कब हो रहा है, व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन द क्रिटिकल एंगल। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो इस केस में लाइट रेयर में ना जा करके वापस कहां आ जाएगी, डेंसर में, और इसी को हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कोई दिक्कत किसी को, पूरा क्लियर है? जहां पर याद करने की चीज हो वहां आप शॉर्ट कर लेना, जहां पॉइंट दिखाना वहां शॉर्ट कर लेना, लेकिन जब आप डेफिनेशन लिख रहे हो तो वहां पर शॉर्ट में कभी नहीं लिखना। बहुत सारे टॉपिक आगे आएंगे, उन सब में हम आपको बताएंगे, शॉर्ट याद रखना है लेकिन लिखना नहीं, वरना लिखोगे तो कुछ कुछ लोग है ना बड़े झुंझलाहे टाइप के आदमी होते हैं, मतलब क्या बताएं, बोलेंगे तो फिर तुम लोग मेरी भी बेइज्जती करोगे, लेकिन ऐसा ही रहता है कि बीबी से पिटा के आया हुआ रहता है और गुस्सा तुम्हारी कॉपी पे निकालेगा, यार तुमको समझ ही नहीं आएगा कि तुम्हारे कॉपी पे नंबर क्यों नहीं दिया वो, जबकि तुम पूरा लिख के आए हो। तो भाई कोई मौका नहीं देना है कि गुस्सा तुम पे निकाले, इसलिए पूरा करके लिख के आना है। क्या दोनों डेफिनेशन सबको क्लियर है, कि अगर हमको डिफाइन करना हो याद रखने के लिए, देखो दो चीज है, हम आपको बताए थे कि कभी भी कोई भी डेफिनेशन अगर आपको याद करना है ना, तो मेरी मानिए आप रट करके 11th 12th में तो कुछ नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। रीजन क्या है कि इतना हो ही जाएगा यार, तुम कितना रट पाओगे भाई, इतना सा दिमाग है, रटने के लिए इतने सारी चीजें भरी पड़ी है कि हाथ भी फैला दो पूरा तो ना आ पाएगा, इतना है तो कहां से गुजार पाओगे। तो टेक्निक क्या है इसको याद करने का, कि तुम डेफिनेशन पढ़ो और उस डेफिनेशन में कोई 3-4 वर्ड आइडेंटिफाई करो, ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है, सबके लिए, सारे इंडिविजुअल के लिए अलग अलग हो सकता है, वो 3-4 वर्ड फाइंड करो जिसको याद कर लेने पर बाकी पूरा सेंटेंस हम क्रिएट कर लेंगे। जैसे अगर मेरे से पूछो क्रिटिकल एंगल को डिफाइन करना है तो क्या, डेंसर टू रेयर और मोर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री, बस ये दोनों चीज याद रह गया, तो बाकी तुम पूरा का पूरा से प्लॉट जो है उसका वो वर्ड का तैयार कर सकते हो, कि लाइट जो है डेंसर टू रेयर जाना चाहिए, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन 90 डिग्री होना चाहिए, उस एंगल को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हुआ तो लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में नहीं जाएगी, वापस से डेंसर मीडियम में लौट आएगी, इसी को कहते हैं हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां ध्यान रखना इस बात का कि TIR जब होता है ना, तो इसमें लाइट का मतलब एनर्जी का कोई लॉस होता ही नहीं। एक बड़ा सिंपल और बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, उसको समझो तब आप अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है ऑप्टिकल फाइबर की, ये समझ पाओगे। होता क्या है कि जैसे किसी भी मेथड से अगर हम किसी भी एनर्जी को प्रोपेगेट करवाए, कॉमन सेंस बताते हैं, हम बोल रहे हैं यहाँ साउंड एनर्जी, अगर पीछे तक पहुंचाना है तो आप जानते हो आगे वाला का तो खैर आवाज रहता है, जब पूरा हॉल भरा हुआ हो तो पीछे तक नॉर्मली नहीं पहुंच पाता है, तो इसी चीज के लिए इतना सिस्टम, ये ट्रांसमीटर लगा दिया, वहां रिसीवर लगा हुआ है, एम्पलीफायर लगा हुआ है, स्पीकर लगा हुआ है, तब जाकर के हम पूरे हॉल को कवर कर पा रहे हैं। तो जो कोई भी तरह की एनर्जी अगर करंट भी भेज रहे होते हैं तो वायर में रेसिस्टेंस के कारण कुछ ना कुछ लॉस होता है, लाइट भी अगर हम किसी मीडियम से भेज रहे हैं तो वहां भी कुछ ना कुछ लॉस होता है। यहाँ पर कैंडल जलाओ और कोना जाके बैठो तो क्या पढ़ लोगे, बोलोगे क्या पागल बनती है। तो
उसका भी लॉस होता है। तो जनरली क्या है, कोई भी इनर्जी का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर हम लोग ट्रांसफर करें, भेजें, तो वहां पर लॉस ऑफ एनर्जी होता है, होता ही होता है। तुम कोई भी एग्जाम्पल ढूंढ लो अपने दिमाग में, अगर मिले तो हमको भी बताना, वो होता ही होता है। लेकिन ऐसा है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। भाई जितना भेजेंगे, कई हजार किलोमीटर तक भी भेज देंगे ना, तो अप्रोक्सीमेटली उतना ही पहुंचता है। एक इसका बढ़िया एग्जाम्पल बताते हैं, आप लोग में से किन्हीं के यहाँ पहले ब्रॉडबैंड कनेक्शन था, ब्रॉडबैंड तार से इंटरनेट जो हम लोग कंप्यूटर में प्रयोग करते थे, ब्रॉडबैंड नहीं था, पता करना पहले था वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन आता था, टेलीफोन तार जो आता था ना वो ट्री ट्री हलो वाला, तो उसके साथ जो है एक और वायर आता था, उसी में एक वायर आता था जिससे हम लोग के घर में इंटरनेट आता था कंप्यूटर में चलाने के लिए। वायरलेस जब नहीं था तब, मोबाइल जब नहीं था या इतना डेवलप नहीं था तब की बात है ये सब, तो वायरलेस उसमें क्या होता था, या इवन अभी 2 साल 3 साल पहले तक चल रहा था हमारे यहाँ ब्रॉडबैंड कनेक्शन, नहीं BSNL ब्रॉडबैंड प्रचार वगैरह एड वगैरह देखा होगा, तो उसमें क्या था कि हम वहां लेते थे 8 Mbps का स्पीड और यहाँ पहुंचता था 2 Mbps भी मुश्किल से, ये वाला हाल था उसका। वहां लेते थे 20 Mbps का, यहाँ मिलता था 4 Mbps का। तो उसके पीछे रीजन था कि जिस वायर से वो होकर के आता था, घूमा उमा एने उने हुआ, इस चक्कर में काफी लॉस हो जाता था, और वो कह के देता था कि हम तुमको 20 Mbps का स्पीड में दे रहे हैं, वहां वो टेस्ट करके देता था और यहाँ मिलता ही नहीं था, उसका कोई इलाज नहीं था, कोई इलाज था ही नहीं। जैसे अभी वायरलेस टेक्नोलॉजी में आप जानते हो कि जो 4G हमारे यहाँ है, यार टाइम हो चुका है पता ही नहीं चलता कब टाइम हो जाता है भाई, 4G जो अभी हमारे यहाँ है उसका स्पीड जानते हो 100 Mbps का है, कोई दिखा दो हमको 100 Mbps जो आपके मोबाइल में मिलता हो, KBPS से Mbps में जाता है, काम खत्म हो जाता है उसका, होता है ना ऐसा। तो वैसा ही जो है इसमें है, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर में तुम जानते हो, अगर लगा होगा तुम्हारे यहाँ तो, ये जितना कहता है उससे ज्यादा देता है। यहाँ दोनों लगा हुआ है, जियो भी है एयरटेल भी है, तो दोनों में अगर मेरे से डिफरेंस पूछो, 6-7 महीना से चल रहा है दोनों ये, तो जियो जितना कहता है 40 Mbps, तो 42 Mbps तक देता है या उससे कम ही रहता है, 40 से कम ही रहता है, और एयरटेल जब 40 Mbps कहता है तो 50 Mbps+ देता है स्पीड। ये दोनों का डिफरेंस जितना कहता है उससे ज्यादा देता है, ये हो पाता है इसी ऑप्टिकल फाइबर के हेल्प से, वो हम आपको कल पढ़ाएंगे। दौड़ के भागो जितना स्पीड में भाग सकते हो। अरे तू लोग बैठ जा, तू लोग की उड़ के जाएगी। जेंडर कंफ्यूजन हो तो देखो बाहर आईना लगा हुआ है, जाके देख लो,